दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को कल शाम जिम में ट्रेडिंग मिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव की हालत इस वक्त काफी नाजुक है, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अब राजू श्रीवास्तव के बाद मशहूर एक्ट्रेस संभावना सेठ की तबीयत काफी बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। आपको बता दें, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को कल यानी बुधवार को सीने में दर्द उठने की वजह से एम्स में एडमिट कराया गया। दिल्ली एम्स में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं फैंस को जब राजू श्रीवास्तव की खबर मिली तो उसके बाद फैंस उनके लिए दुआएं करने लगे। राजू श्रीवास्तव के बाद टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ की तबीयत काफी बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरअसल संभावना सेठ की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी, उन्हें वायरल फीवर हो गया था, लेकिन कल रात एक्ट्रेस की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में एक्ट्रेस को आनन फानन में तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। संभावना सेठ के पति ने इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल संभावना सेठ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो पिछले काफी टाइम से बीमार चल रही हैं। कल रात जब अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। संभावना की तबीयत की जानकारी फैंस के साथ शेयर की उनके पति अविनाश द्विवेदी ने। उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि फैंस उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि संभावना इस वक्त काफी दर्द से गुजर रही है। संभावना सेठ ने अपनी तबीयत बिगड़ने के बारे में फैंस के साथ खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वो गठिया से काफी टाइम से परेशान है, इसके साथ ही लगातार उनका बुखार चढ़ रहा उतर रहा है। संभावना सेठ की तबीयत फिलहाल कैसी है, इस बारे में उनके पति जानकारी देंगे। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव और संभावना सेठ दोनों को लेकर ही फैंस दुआएं कर रहे हैं कि दोनों ही ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं।